हे गाइस, आई एम गुफरान उस्मानी। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। टुडे द टॉपिक इज हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रेशनल एक्सप्रेशंस, मतलब प्रमेय व्यंजक को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। प्रमेय व्यंजक को जोड़ने का ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसे हम एक प्रमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं। तो प्रमेय संख्या को कैसे जोड़ते या घटाते हैं, इनके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक स्टैंडर्ड मेथड है जिन्हें हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस गुणन। क्रॉस गुणन क्या होता है, इनको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हमने दो संख्याएं ली, प्रमेय संख्या 4/3 और 3/4, इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे दो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, आपका देखिए पहली संख्या का अंश है ये दूसरी संख्या का, पहली संख्या का हर है ये अंश ये हर, तो इनको गुणा करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मेथड लगाते हैं। तो इस तीर जो आपकी तीर बनी हुई है, इस तीर में क्या होता है कि 1 को 4 से गुणा करेंगे और 1 के स्थान पर रख देंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे और 2 के स्थान पर इन्हें हम रख देंगे, आपका हो जाए 2 × 3, और नीचे 2 को 4 से मल्टीप्लीकेट करेंगे और बीच में आपका जो साइन होगा प्लस या माइनस वैसे आप एज इट इज लिख देंगे। जैसे इनको हमें जोड़ना है तो यहाँ पर देखें अंश हर, अंश और हर, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट को आपको फोर्थ से गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 प्लस यहाँ पर 2 को 3rd से, यानी 2 × 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे से 3 × 4, अब इनको हम हल कर लेंगे 16 + 9/12 = 25/12। तो इनको जो जोड़ने का हम मेथड लगाते हैं ठीक सेम मेथड हम प्रमेय व्यंजक को जोड़ने या घटाने में लगाते हैं। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है कि इनको हम देखिए, इस प्रश्न को पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है, इनका तरीका है निम्नतम पदों में समानित कीजिए, कहीं आएगा कि निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए, या आएगा सरल कीजिए या हल कीजिए, प्रमेय व्यंजक के रूप में इन्हें लिखिए। तो प्रमेय व्यंजक इतने तरीकों से इन्हें पूछा जा सकता है और सबको हम हल करेंगे, मेथड एक ही होगा आपका। देखिए क्या करेंगे, ये आपका अंश हर, अंश हर, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो आपको देख लिया 1 को 4 से गुणा करना है, 2 को 3 से और 2 को 4 से, बीच में जो आपका साइन होगा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर देखिए x-1 × आपका होगा x-1 प्लस साइन जो है आपका यहाँ पर x+1 x+1, और नीचे हर का हर से गुणा होगा यानी आपका 2 का 4 से, x+1 x-1। अब इनमें क्या करेंगे, आप इनको एक दूसरे से गुणा कर सकते हैं विस्तार करके, या इनको फार्मूले के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनको गुणा करने के लिए सीख रहे हैं, इसलिए गुणा करेंगे। देखिए x का x से गुणा होगा x², x का 1 से -x, और -1 का x से -x, और -1 का -1 से हो जाएगा आपका +1, और यहाँ पर ऐसे दूसरे पद में देखिए यहाँ पर प्लस है, आप प्लस ले लेंगे, x को x से x², x को 1 से +x हो जाएगा आपका, +1 से x को x, +1 बन जा 1 आपका हो जाएगा। ऐसे आपको हर गुणा करना है, x को x से x², x को -1 से x आपका -x हो जाएगा, 1 का x से +x, +1 का -1 से जब होगा गुणा तो -1 होगा। अभी में हम देखेंगे कि आपका कौन सा पार्ट कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पर -x है, यहाँ पर +x, ये कैंसिल, -x + x, ये आपका कैंसिल, तो यहाँ पर बचता क्या है x², दोनों धन है इसलिए जुड़ जाएंगे, x हो जाएगा आपका 2x², और यहाँ पर 1 2 / x², अब यहाँ पर देखिए +x - x है, ये भी आपका कैंसिल -1 होगा, तो ये आपका
एड करने का मेथड है कि कैसे हम परिमेय व्यंजक को जोड़ते हैं, और जब हम दो परिमेय व्यंजक को या दो से अधिक परिमेय व्यंजक को जोड़ते हैं तो उनका जो हमें आंसर आता है वो भी एक परिमेय व्यंजक होता है। अब हम समझ लेते हैं कि परिमेय व्यंजक को घटाते कैसे हैं। तो परिमेय व्यंजक को घटाने का रूल भी ठीक ऐसे ही है, बस इसमें आपका साइन जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, माइनस होगा। जैसे यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस, और इनको हम वैसे ही हल करेंगे। तो इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम ठीक वैसे ही मेथड लगाएंगे, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, यहाँ पर माइनस, एक्स प्लस वन होगा आपका अपान एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस वन होगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर गुणा करना है, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर होगा, वैसे ही एक्स को माइनस वन से माइनस एक्स, माइनस वन को एक्स से आपका हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस वन। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर माइनस होता है तो इसके बाद जो पार्ट होते हैं इनको हम पहले ब्रेकेट में लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस आपके इनके बाद जितने पद हैं उन सब में ये गुणा करेगा, तो पहले इनको हम ब्रेकेट में लिख लेंगे। पहले गुणा करेंगे, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एकम एक्स प्लस वन एक्स, एक्स वन वन जा वन हो जाएगा आपका। अपान नीचे वैसे ही गुणा आपका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, और माइनस वन होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब पूरे पार्ट को आप ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर माइनस देखिए है और इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी सब, यहाँ पर देखिए सारे पदों के आगे क्या प्लस है, इसलिए माइनस से गुणा होगा, सारे आपके माइनस हो जाएंगे। अपान नीचे वाला एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल कौन सा टर्म हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, और एक्स एक्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू एक्स, और यहाँ पर देखिए वन भी कैंसिल है आपका, कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस टू एक्स, यहाँ पर भी माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू एक्स, या आप लिख सकते हैं एक बार में एक्स चार बार माइनस में, इसलिए माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी ना थोड़ा सा और है, देखिए जब ऊपर आपका अंश में माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए फोर एक्स, इसको हम अपान में भेज देते हैं, और जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वन माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और एक्स प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यही आपका होगा आंसर। तो ये है आपको दो परिमेय व्यंजकों को कैसे जोड़ते या घटाते हैं। अब देखिए इनमें परिमेय व्यंजक को जोड़ने या घटाने के लिए सिर्फ दो प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है, एक जो आपने अभी देखा, दूसरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या जोड़ें कि योग एक हो जाए। तो इनमें देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपके मैं डाउट क्लियर कर दूं कि इनमें बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ये होता है कि जैसे आपसे कहा जाए कि नौ में हम क्या जोड़ें कि संख्या पंद्रह हो जाए, तो आप तुरंत बता देंगे कि अगर छः जोड़ दें नौ में तो संख्या पंद्रह हो जाएगी। तो वैसे ठीक ऐसे इसमें करना होगा, जैसे हम पूछते हैं कि नौ में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पंद्रह हो जाए, तो इनको हम लगाएंगे कैसे, तो इनको सॉल्व करने का जो मेथड होगा, नौ लिखेंगे और इसमें पूछ रहे हैं नौ में क्या जोड़ा जाए, तो मैंने मान लिया कि नौ में ए जोड़ा जाए तो संख्या आपकी पंद्रह हो जाएगी। अब ये आपका एक बन गया समीकरण, इनको हल करेंगे, ए बराबर आपका जो ए है यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि ये निकालने हैं कि यही वो संख्या है जिनको जोड़ देंगे नौ में, तो ये पंद्रह हो जाएगी, तो ये नौ आपका आर एच एस में जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस आपका नौ होगा, पंद्रह में से नौ गए आपका बचा छः। तो ऐसे हम लगाएंगे, तो ठीक यही मेथड हम इनमें अपनाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या जोड़े कि एक हो जाए। तो मैंने मान लिया, माना ए जोड़ दें, माना ए जोड़ दें, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या जोड़ दें, ए जोड़ दें, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, वन के बराबर ये कह रहे हैं, वन हो जाए तो हमने रख दिया। अब ये आपका बन गया एक समीकरण, समीकरण को हल करना आप जानते हैं, ए इधर ही आप रोक लेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर वन है
अब देखिए ये सभी, ये जो आपका व्यंजक है जब आर एच एस में जाएगा तो पूरा व्यंजक आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए यहां पर जब हमने अभी बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो यहां पर अंश हर, देखिए यहां पर अंश है लेकिन हर नहीं है, यहां पर अंश है हर है लेकिन यहां पर हर नहीं, इसलिए जब हर नहीं होता तो इनको हम क्या मान लेते हैं वन। अब इनको हम वैसे मेथड से अप्लाई करके निकाल लेंगे, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक से गुणा करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, और वन को इस पूरे पार्ट से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो माइनस आपका है इस पूरे पद में क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो जो आपका टर्म प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस वन, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन को वन से गुणा करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, और प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, आपका बचा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही आपका हल होगा। अब जैसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हम क्या जोड़ें कि योग एक हो जाए। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या घटाएं कि योग एक हो जाए, तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि नौ में क्या घटाएं कि योग आपका छ आ जाए, तो नौ में क्या घटाएं, तो यहां पर ऐसे नौ माइनस ए क्या घटाएं कि आपका योग छ हो जाए, तो यहां पर आप छ रख देंगे। अब यहां पर ए को यहां पर इधर ना ले जाकर ए को आप यहां पर देखिए क्या करते थे कि ए को रोक लेते थे, यहां पर ए को भेज देंगे ताकि ये प्लस में हो जाए। नाइन माइनस सिक्स बराबर यहां पर ए, देखिए सिक्स प्लस में था माइनस में हो गया, तो ए बराबर हो गया आपका, आपका हो गया थ्री, तो ये आपका मेथड होगा। तो ठीक जैसे आपको ये सवाल होता है आपका आप हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों हमारा ये मेथड आपको कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट के माध्यम से।